नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 3 दिवसीय दौरे पर शनिवार को गोरखपुर आएंगे सीएम योगी। कुशीनगर में पीएम की अगवानी को लेकर इंतजामों का लेंगे जायजा। महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में लोकार्पण शिलान्यास समारोह को करेंगे संबोधित। रविवार को गीडा में नए निवेशकों को सौंपेंगे भूमि आवंटन पत्र। 1,005 करोड़ रुपए के निवेश और करीब 2,700 नए रोजगार का मार्ग होगा प्रशस्त। गीडा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े 143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। सोमवार को लखनऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर धर्मपत्नी सहित गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन कर लिया आशीर्वाद। गीता प्रेस का किया अवलोकन। गीता प्रेस के ट्रस्टियों ने अंग वस्त्र देकर महामहिम राज्यपाल को किया सम्मानित। ओडीओपी के तहत चयनित दूसरे उत्पाद को भी स्टेशनों पर स्टॉल कियास्क मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर सकारात्मक पहल करेगी पूर्वोत्तर रेलवे। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, अति स्वागत योग्य है ये कदम। शासन और रेलवे प्रशासन से समन्वय बनाकर रेडीमेड गारमेंट्स का भी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर स्टॉल कियास्क खुलवाने का करेंगे प्रयास। किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है फसल बीमा योजना। अकेले गोरखपुर में खरीफ सीजन में मिली 13 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति। करीब 22,000 किसान हुए लाभान्वित। डीएम ने कहा, किसानों के क्लेमों को सुगमता पूर्वक किसानों को हो हस्तांतरित, यही है उनका प्रयास। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में मोहद्दीपुर में काले फिल्म लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक फिल्म। दुकानदारों के पास से 5 किलो से ज्यादा बरामद किया गया ब्लैक फिल्म, लगाया गया जुर्माना। एसपी सिटी ने कहा, दोबारा ब्लैक फिल्म लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने डूडा व बैंकर्स के साथ की बैठक। योजना का समय से लाभार्थियों को लाभ दिलवाने के लिए बैंक कर्मियों को दिए निर्देश। अमृत महोत्सव उद्यान के वृक्षारोपण के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों के साथ एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने की बैठक। दी आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत ग्राम पंचायत में 75 वृक्ष लगाने के निर्देश। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने नागरिकों से सरकारी वाहन या एम्बुलेंस को रास्ता देने की अपील। कहा, एम्बुलेंस को रास्ता ना देने वालों के खिलाफ की जाएगी विधिक कार्रवाई। चार शातिर वाहन चोर को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 मोटरसाइकिल, 2 लैपटॉप, 1 TFT मॉनिटर, 1 LED, 1 मिक्सर मशीन, 1 कुकर किया बरामद, भेजा जेल। प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर के विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों को समय समय पर हाथ धोने के प्रति किया गया जागरूक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 14 मई को होने वाले लोकार्पण शिलान्यास और जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए महानगर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। कहा, जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए जी जान से जुटे महानगर के कार्यकर्ता। पूर्व माध्यमिक विद्यालय अलहदातपुर के छात्रों ने स्कूल चलो अभियान के तहत निकाली रैली। स्कूल चलो अभियान के प्रति बच्चों को किया जागरूक। और मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत नॉर्मल प्राथमिक विद्यालय पर रसोईया पाक कला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उत्कृष्ट भोजन बनाने वाली रसोईया को किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से।
लुम्बिनी में 16 मई बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध की 2566 जयंती श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरकर हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके पूर्व महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में भगवान बुद्ध की लेटी प्रतिमा का भी दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कुशीनगर दौरे के मद्देनजर शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर आएंगे। सीएम योगी यहां प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर की गई तैयारियों एवं सुरक्षा इंतजाम का जायजा लेंगे। गोरखपुर आगमन के पूर्व सीएम योगी सीधे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर किए गए सभी इंतजाम का जायजा लेंगे। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे। इस दौरान साफ सफाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत एवं सुरक्षा इंतजाम की एक एक तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उसके बाद कुशीनगर से वापस हेलीकॉप्टर से एमपी पॉलिटेक्निक ग्राउंड स्थित हेलीपैड पर आएंगे। यहां से गोरखनाथ मंदिर में विश्राम करने के उपरांत अपराह्न 3:30 बजे से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क तारामंडल में लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित करेंगे। उसके बाद रात्रि विश्राम के लिए गोरखनाथ मंदिर प्रस्थान कर जाएंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद रात्रि विश्राम के लिए गोरखनाथ मंदिर लौट आएंगे। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन में जनता के फरियाद सुनेंगे। अपने इस दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार या रविवार को जिले में चल रहे विकास कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा भी कर सकते हैं। रविवार को भी सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में ही विश्राम करेंगे। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को निरंतर तराश रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास की सौगात देने आ रहे हैं। रविवार को सुबह 10:30 बजे सीएम योगी गीडा में जहां 143 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे, वहीं 6 नए निवेशकों को 45.5 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र सौंपकर 1005 करोड़ रुपए के निवेश से करीब 2700 नए रोजगार का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसके पूर्व शनिवार को मुख्यमंत्री महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में आयोजित समारोह के दौरान 144 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपराह्न 3:30 बजे रामगढ़ताल क्षेत्र में स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम 33.16 करोड़ रुपए की लागत वाली ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। उनके हाथों 111.33 करोड़ रुपए की लागत वाली आवास विकास परिषद, बाढ़ खंड और लोक निर्माण विभाग की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा। मुख्यमंत्री के हाथों शिलान्यास वाली परियोजनाओं में ज्यादातर बाढ़ बचाव के उपायों से जुड़ी है। साथ ही गोला में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास लागत 2,16,55,000 रुपए तथा राजकीय आईटीआई चरगावा में ऑडिटोरियम लागत 4,52,00,000 रुपए के निर्माण का शिलान्यास भी सीएम योगी करेंगे। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन रविवार को भी सीएम योगी के हाथों विकास की सौगात मिलने का सिलसिला जारी रहेगा। मुख्यमंत्री गीडा में निवेश का मार्ग प्रशस्त करने को उद्यमियों को अपने हाथों भूमि आवंटन पत्र सौंपेंगे। साथ ही गीडा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। गीडा में उद्योग लगाने की इच्छा जताने वाले कियान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड को 20 एकड़, तत्वा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड को 5.5 एकड़, सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, क्वार्टर्स ओपलवेयर प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य मोटर प्राइवेट लिमिटेड तथा बुद्धा मेडिकल ट्रस्ट को 5.5 एकड़ भूमि आवंटन पत्र का वितरण सीएम योगी के हाथों होगा। इन नए निवेशकों की तरफ से कुल 1005 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसके माध्यम से करीब 2700 नए रोजगार का सृजन होगा। योगी सरकार की पहल पर गीडा के भीटी रावत सेक्टर 26 में 25 एकड़ भूमि पर 101 भूखंड का गारमेंट क्लस्टर विकसित किया जा रहा है।
इसमें 56 भूखंडों के आवंटन पत्र जारी किए गए हैं। गारमेंट क्लस्टर के 5 उद्यमियों को सीएम योगी मंच पर आवंटन पत्र सौंपेंगे। इस दौरान गीडा के अलग अलग सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 67.86 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण व 75.83 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी सीएम करेंगे। सोमवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। नेपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वापसी पर भी उनका कुशीनगर में स्वागत करेंगे, उसके बाद लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिकर ने अपने धर्मपत्नी के साथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ बाबा का दर्शन कर आशीर्वाद लिया तथा ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ के समाधि पर माथा टेका और विजिटर बुक में अपना संदेश अंकित किया। उसके बाद गीता प्रेस के लिए रवाना हुए तथा गीता प्रेस पहुंचकर भ्रमण किया। गीता प्रेस की पहली छपाई की मशीन को भी देखा तथा वहां के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल ने अंगवस्त्र देकर उनको सम्मानित किया और गीता प्रेस के प्रतिनिधि मंडल द्वारा मराठी भाषा की गीता साधक संजीवनी की प्रति भेंट की गई, जिसके संबंध में गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने गीता प्रेस का भ्रमण कर गीता प्रेस की पुस्तकों को पढ़ा देखा। गीता प्रेस के लीला चित्र मंदिर जो सबकी धरोहर है और जो चित्र पुस्तकों पर छपते हैं उसकी ओरिजिनल पंक्तियां वहां पर सजा के रखी हुई है। उन्होंने उसको रुचिपूर्वक देखा तथा गीता प्रेस की मशीन जो प्रिंटिंग में मुख्य रूप से सहयोग करती है उसका उन्होंने भ्रमण किया। उसके बाद सभा कक्ष में विजिटर बुक पर अपना संदेश को लिख कर उस पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस में जो भी आता है उसकी भरपूर सद्भावना पीढ़ियों से गीता प्रेस पर रहती है, तभी वह गीता प्रेस आता है। इस अवसर पर गीता प्रेस के ट्रस्टी ईश्वर प्रसाद, बैजनाथ अग्रवाल, आशुतोष उपाध्याय, नरेंद्र कुमार, हरि प्रसाद अग्रवाल, राजेश शर्मा, संतोष कुमार, संजय दुबे, रुपेश दुबे, निकुंज अग्रवाल, कौशल किशोर मणि त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल ने कहा,
सौभाग्य समझता हूँ। उनके शताब्दी वर्ष के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवीदयाल अग्रवाल, ट्रस्टी गीता प्रेस। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आज गीता प्रेस भ्रमण पर थे। उन्होंने पूर्व में अपने घरों में गीता और गीता प्रेस की पुस्तकें देखी हैं, पढ़ी हैं। उनका स्वाभाविक रूप से गीता प्रेस के प्रति आकर्षण था, इसलिए गीता प्रेस प्रवास के गोरखपुर प्रवास के दौरान उन्होंने गीता प्रेस को समय दिया एवं गीता प्रेस का लीला चित्र मंदिर, जिसमें हमारी अमूल्य धरोहर है, जो चित्र हम पुस्तकों पर छापते हैं, उनकी ओरिजिनल प्रति वहाँ पर सजा कर रखी हुई है, उसको उन्होंने बहुत रुचिपूर्वक देखा। एवं इसके बाद गीता प्रेस की मशीनें जो प्रिंटिंग में मुख्य रूप से सहयोग करती हैं, उसका उन्होंने भ्रमण किया। उसके बाद सभाकक्ष में आकर विजिटर्स बुक पर अपने हस्ताक्षर किए एवं गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष जो कल 14 मई से शुरू हो रहा है, उसके प्रति अपनी सद्भावनाएं व्यक्त की। कुछ कहा भी उन्होंने गीता प्रेस में जो भी आता है उसकी भरपूर सद्भावना पीढ़ियों से गीता प्रेस के प्रति रहती है, तब वो गीता प्रेस आता है। और आकर उन्होंने कहा कि मैं बहुत रोमांचित अनुभव कर रहा हूँ अपने आप को गीता प्रेस में पाकर, और हम लोगों को भी इस तरह के लोगों के आने से एक उत्साह वर्धन होता है एवं काम को और विशेष रूप से करने की रुचि डेवलप होती है। पूरे देश का पेट भरने वाले अन्नदाता किसानों के पसीने की हर एक बूंद अनमोल है। किसी कारणवश यदि उसके पसीने से सिंचित फसल को नुकसान हो जाए तो उसकी आर्थिक और आत्मीय पीड़ा पर भरपूर सहायता के मरहम का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रदेश में वर्ष 2021-22 के खरीफ सीजन 2021 में इस योजना के तहत 21.60 लाख किसानों द्वारा बीमा कराया गया था। इनमें से मार्च 2022 तक 7.02 लाख किसानों को 654.85 करोड़ रुपए की फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। अकेले गोरखपुर में खरीफ सीजन में 21,801 किसानों को 13,59,000 रुपए की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है। अन्नदाता किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन करने के साथ डबल इंजन की सरकार फसलों को हुए नुकसान की भरपाई भी करती है। खेती में किसान और उसके परिवार के परिश्रम को कीमत में तब्दील नहीं किया जा सकता। उसकी प्रत्याशा खूब अन्न उपजाने की होती है, पर कई बार अतिवृष्टि, आंधी, तूफान, पाला, बर्फबारी, ओलावृष्टि, आग और कीटों के प्रकोप से उसकी मेहनत और खेती की लागत बेकार हो जाती है। आपदा में नष्ट किसानों की फसल की क्षतिपूर्ति करने और किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना ने किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की इस योजना को यूपी के सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर लागू किया है। पीएम फसल बीमा योजना में ऋणी कृषक अनिवार्य रूप से तथा अन्य किसान स्वैच्छिक आधार पर शामिल किए गए हैं। प्रीमियम मद में किसान की देयता को खरीफ फसल में अधिकतम 2% तथा रबी फसल में अधिकतम 1.5% निर्धारित किया गया है। नकदी व औद्यानिकी फसलों हेतु प्रीमियम मद में कृषक की देयता अधिकतम 5% है। किसान द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश से अधिक व वास्तविक प्रीमियम दर से अंतर की समस्त धनराशि को अनुदान के रूप में केंद्र व राज्य द्वारा बराबर वहन किया जाता है।
योगी सरकार के अब तक के कार्यकाल में कुल 281.25 लाख बीमित किसानों द्वारा फसलों का बीमा कराया गया, जिसमें 27.59 लाख कृषकों को 3,074.60 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। इसमें खरीफ सीजन 2021 में 7.02 लाख किसानों को 654.85 करोड़ रुपए की फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान भी शामिल है। गोरखपुर जिले में 2021 खरीफ सीजन में 55,481 किसानों ने फसल बीमा कराया, जिनमें से 21,801 को 13,59,00,000 रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त हुआ। पूरे गोरखपुर में रबी 2021-22 में 46,828 गोरखपुर कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया। रबी सीजन में किसानों द्वारा किए गए क्लेम प्रक्रियाधीन है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ा जाए, विशेषकर जो किसान क्रेडिट कार्ड में लाभान्वित हो रहे हैं उन किसानों को इसमें जोड़े। सरकार इसमें बीमा का 2/3 हिस्सा देती है। किसानों को एक छोटी धनराशि देनी होती है, उससे कोई भी दैवीय हादसा होता है तो उनका रिस्क कवर सरकार व इंश्योरेंस कंपनी कराती है। इसी के तहत पिछले साल जो किसान लाभान्वित हुए थे उसमें इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से ज़्यादा धनराशि हस्तांतरित करने का प्रयास किया है। पिछले साल से ज़्यादा धनराशि हस्तांतरित किया है और किसानों के द्वारा जितने भी दावे प्रेषित किए गए हैं सुगमतापूर्वक किसानों को हस्तांतरित किया जाए, यह प्रयास अभी जारी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। हर साल हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसमें जोड़ें, विशेषकर जो किसान क्रेडिट कार्ड में आच्छादित होते हैं उन किसानों को हम इसमें जोड़ें। सरकार इसमें बीमा का 2/3 हिस्सा देती है, किसानों को एक छोटा अंश देना पड़ता है और उससे कोई भी दैवीय आपदा होती है तो उनका उसमें रिस्क कवर सरकार और इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। और इसी के तहत पिछली बार जो किसानों ने जिन्होंने आच्छादित किया था उसमें हमने इंश्योरेंस कंपनी जो हमारे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी उनके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि हस्तांतरित करने की कार्रवाई की है। गत वर्ष से भी ज़्यादा धनराशि हस्तांतरित की है और जितने भी दावे प्रेषित किए गए हैं उसको सुगमतापूर्वक किसानों के हस्तांतरित किया जाए, ये प्रयास अभी जारी है। तो 26 करोड़ से ऊपर हुआ है, अभी 13 करोड़ की किस्त जारी हुई है। तो पहले से हमारा करीब 15-20 करोड़ हुआ था तो हम लोग कराएंगे, लास्ट ईयर से ज़्यादा रहेंगे। भारतीय रेलवे के द्वारा स्थानीय प्रोडक्ट और उसके निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए जहां वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत कई स्टेशनों पर स्टॉल कियोस्क मुहैया कराकर वहां के लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, वहीं राज्य सरकार भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ज़िले के चयनित प्रोडक्ट को अपने तरह से प्रमोट कर रही है और विभिन्न जगहों पर उनके स्टालों के आस को लगवा कर स्थानीय उद्यमियों को और उद्योगों को साथ किसानों को विभिन्न प्लेटफॉर्म दे रही है, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में पूर्व में चयनित वन प्रोडक्ट के अलावा भी उसी ज़िले में दूसरे उत्पाद को भी चयनित करके उसको भी अपनी तरह से प्रदेश सरकार व ज़िला प्रशासन प्रोत्साहित कर रही है। गोरखपुर में पहले ODOP के तहत टेराकोटा उद्योग चयनित था, फिर प्रदेश सरकार ने रेडीमेड गारमेंट्स को भी दूसरे उद्योग के रूप में चयनित करके उसको बढ़ावा दे रही है। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत टेराकोटा के स्टॉल कियोस्क को लगवाया है। इस मुद्दे पर गोरखपुर न्यूज़ ने जब पूर्वोत्तर रेलवे से संपर्क करके जानना चाहा कि क्या गोरखपुर ज़िले के ODOP के तहत चयनित दूसरे उत्पाद रेडीमेड गारमेंट्स के लिए भी स्थान पूर्वोत्तर रेलवे मुहैया कराएगी, तो इस पर पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने एक सकारात्मक पहल करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार की तरफ से उसी स्टेशन पर उनके किसी दूसरे उत्पाद के लिए कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। इस बात का स्वागत करते हुए गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि ये अति स्वागत योग्य कदम है, वो इसके लिए शासन और रेलवे प्रशासन से समन्वय बनाकर रेडीमेड गारमेंट्स का भी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर स्टॉल कियोस्क खुलवाने का प्रयास करेंगे। रेलवे स्टेशन पर अधिक फुटफॉल होता है, इससे यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे उद्यमियों और व्यवसायियों के साथ ही आम जन को भी फायदा मिलेगा।
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह और जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और जो इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका उत्साह वर्धन करने के लिए रेलवे ने यह डिसीजन लिया कि स्टेशनों पर जो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको शोकेस किया जाए और उनका स्टॉल लगाया जाए। इस क्रम में गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे यहाँ का वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के रूप में टेराकोटा का स्टॉल लगाया गया है। साथ ही साथ बनारस में आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे कौसानी शॉल के स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो और भी स्टेशन्स हैं डिवीज़न वाइज 15-15 स्टेशनों का एक सूची मांगी गई है जिसमें उनको चिन्हित करके सर्वे करके लोकल देना है कि कौन से प्रोडक्ट वहाँ पे लगाए जा सकते हैं। तो आने वाले समय में हम लोग और भी प्रोडक्ट्स को वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के रूप में विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर पूर्वोत्तर रेलवे में लगाएंगे। सर, क्या इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर वन प्रोडक्ट के हिसाब से अपना सेकेंड टू प्रोडक्ट को बदल देना चाहता है तो क्या वो दे सकता है? अगर राज्य सरकार कोई प्रपोजल इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे को देता है तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। नॉर्मली हम लोग जो वहाँ का जो स्थानीय प्रोडक्ट है उसके स्टॉल लगाने के लिए एक गाइडलाइन तैयार की गई है और कंसर्न जो ऑफिशियल्स हैं उनके नंबर भी मीडिया के माध्यम से लोगों को शेयर किए गए हैं कि उन नंबर्स पे बात करके कि इन स्टॉल को कैसे लगाना है, इसके लिए क्या कंडीशंस हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं जो हस्तशिल्पी हैं वो अपना प्रोडक्ट लगाएंगे वहाँ पर ले जाकर तो उनका उत्साहवर्धन होगा। तो जहाँ से भी अगर इन लोगों के लिए इनके बेहतर जीविकोपार्जन के लिए जो भी अच्छे से अच्छा कार्य रेलवे कर सकती है वो करेगी। विषय है और स्वागत योग्य है कि रेलवे द्वारा पहल की गई है और रेलवे स्टेशन जो यहाँ पे बहुत सारा फुटफॉल होता है वहाँ पे विपणन के लिए हमारे हम उद्यमियों के लिए हमारे किसान आर्टिसंस के लिए एक अवसर मिल रहा है। उसके तहत टेराकोटा के आउटलेट्स वहाँ खुले गए हैं। इस तरह के आउटलेट जहाँ हमारे नौकायान में खुले हैं वहाँ चिड़ियाघर में खुले हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस अच्छी प्रगति मिल रही है। तो ये रेलवे स्टेशन में भी बहुत अच्छी उपलब्धि होगी और इसके साथ वो रेडीमेड गारमेंट के लिए भी जो करना चाहते हैं वो बहुत ही स्वागत योग्य है। इसके लिए हम लोग आवश्यक समन्वय और आवश्यक पैरवी करेंगे शासन स्तर पे और रेलवे डिपार्टमेंट के साथ से कोऑर्डिनेशन करके हमारे नियमित रूप से उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती रहती है उसमें हम रेज करके इसको सुनिश्चित कराएंगे ताकि इसमें उपभोक्ताओं को भी फ़ायदा हो सके और हमारे आर्टिसंस को भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो सके और हमारे रेडीमेड गारमेंट के उद्यमियों को भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो सके। कितना बढ़ावा मिलेगा? ये हमारे लिए अच्छी उपलब्धि ये है कि जनपद में रेडीमेड गारमेंट का हब है, टेराकोटा का हब है, विभिन्न तरह के डाइवर्सिफाइड विविधीकरण वाले इकाइयों का हमारा इंडस्ट्रियल हब है और इसमें एक बेस भी है। तो इस तरह के विपणन के आउटलेट से लोकल डिमांड को टैप करके उसकी आपूर्ति यहीं से लोकल मैन्युफैक्चर से सुनिश्चित करने का अच्छा अवसर मिलेगा। एसपीसीटी कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में कैंट पुलिस ने मोहद्दीपुर में ऑपरेशन ब्लैक फिल्म चलाया। इस दौरान पुलिस ने उन दुकानों पर छापेमारी की जो लोग चार पहिया वाहन में ब्लैक फिल्म लगाते हैं या ब्लैक फिल्म बेचते हैं, जिसके संबंध में एसपीसीटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि गोरखपुर में ऑपरेशन ब्लैक फिल्म चलाया गया है। इसमें यह देखा जा रहा है कि कौन सी गाड़ी पर काली फिल्म लगी है, उनको चिन्हित करके सीज किया जा रहा है। अब नई मुहिम के तहत न केवल गाड़ियों को सीज किया जाएगा उनका चालान भी किया जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक फिल्म के तहत काले फिल्म बेचने वाले दुकानों पर छापेमारी की गई है जहां पर 5 किलो से ज्यादा काले फिल्म बरामद किया गया है, उनके दुकानों को सीज कर जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने कहा यह अभियान आगे भी चलता रहेगा कि जब तक काले फिल्म सभी गाड़ियों से ना हट जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, बाहर निकालो थोड़ा आप और इसको वे कर लो, कितना है टोटल, कितना केजी बनता है उसी हिसाब से चलाना है।
और इसकी फोटो ले लो सर। अशोक साहब इसकी फोटो ले उधर से ऊपर और इसको तलवा लो कितना है बताओ। उसी हिसाब से चला लगा हड़िए और हड़िए उसको ले उठो आपको पता नहीं था ये बैन है पता था भैया क्या बात है इतने इंडोशन तो नहीं भाई इतने इंडोशन तो हमें भरी उड़ानी इसको ढक कर बिल्कुल दिमाग में डाल लेना और इसको हल्के में लेना नहीं मैं पहले बता रहा हूँ अगर दिख दी गई फोटो कितना होगा सब मिला के कितना होगा वे तो वे करो का कोई होगा ना हमें बिल्कुल बिल्कुल कानून के हिसाब से काम करेंगे हमारी फाइल निकालो अशोक हेलो भाई हमारी फाइल निकालो हमारी फाइल निकालो और इसको पूरा वो करो इसको तोलो चलो यार सॉरी सर आप सामने आओ पूरा ब्लैक इसको एक ये पूरा खुलवा लो सारे आदमी खोलो उसको तोल लो कितना है टोटल खुलवा एक आदमी खुलवा लो ज्ञानी जी एक आदमी खुलवा उसको तुमको तलवाने दो तो गन्ने के साथ ज्यादा हो जाएगा थोड़ा पीछे हो गया हमें थोड़ा पीछे आप जब इसको खुलवा लो हमें तलवा दो अशोक एक जवान और आरती आरती एक मिनट इसका चेक करो अंदर शहर के अंदर सब काले आ जाओ एक आदमी जवान अंदर आओ आरती आ जाओ रुद्र आओ काले अंदर चेक कराओ उधर आ जाओ चेक करो तुम जाओ तुम जाओ चेक करो आप भी रहो साथ में चेक करो चेक करो वो गाड़ी मिल गई जिसके ऊपर काले शीशे लगे हुए हैं और उस गाड़ी ने बता दिया कि तुम्हारे यहाँ काला शीशा लगाया है काला नुकसान करेंगे तुम्हारे पास लाएंगे अगर तुम्हारे मिल गए तो तुम्हारा क्या नाम होगा अरे कोई बात नहीं सर ये ठीक है पैसा हो गया ये असर माता जनपद गोरखपुर में ऑपरेशन ब्लैक फिल्म चलाया गया है जिसके तहत ये इंश्योर किया जा रहा है कि गाड़ी अभी तक ट्रैफिक पुलिस और जनपद की पुलिस काली फिल्म की गाड़ियां हैं उनको सीज करती हुई उनका चालान करती आई है लेकिन नई मुहिम के तहत हम ना सिर्फ गाड़ियों को सीज करेंगे या हमारा उनको चालान करेंगे बल्कि जहां से ब्लैक फिल्म लगाई जाती है जो दुकान ब्लैक फिल्म को प्रोक्योर करती है हम उस दुकान के ऊपर जाके वहाँ पे सीज करेंगे उस दुकान को। आज जनपद में दो जगह छापेमारी हुई है वहाँ से 5 किलो से ज़्यादा की ब्लैक फिल्म सीज की गई है और उन पर भारी जुर्माना किया गया है। क्या कार्रवाई आगे चलता रहेगा? ये कार्रवाई प्रतिदिन अगले 7 दिन तक एज ए मुहिम बना के चलाई जाएगी कि जनपद के अंदर कोई भी दुकान वाला ताकि ये हिम्मत ना कर पाए कि वो काली फिल्म गाड़ियों के ऊपर लगाए और इसके बाद में ऑपरेशन ब्लैक फिल्म जब तक चालू रहेगा जब तक के लिए सारी गाड़ियों से ब्लैक फिल्म नहीं उतर जाएगी। धन्यवाद। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में डूडा और बैंकर्स के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी पीएम स्वनिधि योजना का सभी लाभार्थियों को समय से लाभ दिलवाने के लिए बैंक को निर्देश दिया जिस पर बैंक कर्मियों ने ग्राहक सेवा केंद्र को जोड़ने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति मांगी जिस पर जिलाधिकारी ने स्ट्रीट वेंडरों की सुविधा के लिए ग्राहक सेवा केंद्र को जोड़ने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पीएम स्वनिधि योजना का लाभ हर गरीब तबके के लोगों को मिले किसी को भी लोन लेने में कोई परेशानी ना हो। इस अवसर पर SBI के DGM संजीव कुमार सहित अन्य डूडा के अधिकारी मौजूद रहे। कब तक पूरा हो जाएगा? टीम सर लेट्स टेक नेक्स्ट 2 डेज बाय ट्यूसडे 100% ओके एनी ऑब्जेक्शन नहीं
इसमें है और 317 इसमें है, इसको करवा दीजिए भाई। एनी अदर इशू इनका? उसके खाते में जब जाएगा तभी वो एक्टिवेट होगा। UPI ID सही करना, उसका QR कोड जनरेट करना और उसमें एक रुपए का पेनी ड्रॉप करना, उसके बाद QR कोड वो आप जरा बताइए। इसमें सर क्या हुआ है ना, अभी हम लोग डिस्कस किया तो ये हम लोग सोच रहे थे कैसे करें, या तो टाई अप करें या अपने ग्राहक सेवा केंद्र को भी अगर हम लोग इस काम में यूज कर लें तो हमको लगता है कि वो ज़्यादा आसान है। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। एक तो हम लोग ये तय कर रहे हैं कि आगे से जो नए लोन होंगे उसमें ये उसी वक्त करना, ताकि हमारी डिपेंडेंसी वही स्टॉप हो जाए 100% जो बची हुई है उसमें से फिर हम लोग डिक्लाइन करना शुरू करें, या उनको बुलाएं या अपने ग्राहक सेवा केंद्र की मदद से करें। ये दो तीन तरीके हैं। नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बस टारगेट ये है कि पीछे की पेंडेंसी को बढ़ने नहीं दिया जाए। उसके लिए सिंपल है कि आगे का हर लोन पेनी ड्रॉप के साथ ही कंप्लीट माना जाए। अगर उसे लेना है वहीं पे 5-10 रुपए का या 1 रुपए का ट्रांजेक्शन करके उसको बताना है कि आगे तुम्हें ऐसे ट्रांजेक्शन करना है। ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई इस वजह से ये दिक्कत आ गई। इस प्रक्रिया को पीछे जाके अब पूरा करना है, जो छूटे हुए उनको पूरा करना है। और इसका हल चूंकि आप लोग टेक्निकल हैं, उसका पोर्टल का और वो सारी चीज़ जानते हैं कैसे UPI ID जनरेट होता है, कैसे QR कोड जनरेट होता है, वो अब तो रास्ता निकालना है। आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारे बैंकर जिनको सेंक्शन के बाद कॉल कर रहे हैं डिसबर्समेंट के लिए, जब वो नहीं आ रहे तो वो लिस्ट हम आपको दे देंगे। हाँ वो कल, ताकि आप भी उनको कॉन्टेक्ट करिए। अगर हम भी कॉल करते हैं, आप भी कॉल करते हैं, एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, उसमें डेडलाइन दे देते हैं जी। वो नहीं आता है तो फिर आप उसमें रिमार्क भर के उसको निस्तारित कर दीजिए। अभी तो सैंक्शन है, उसको हम लोग फिर कर सकते हैं वो पोर्टल पे मार्क कैसे। ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को अमृत महोत्सव उद्यान के वृक्षारोपण के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इस दौरान उपायुक्त श्रम रोजगार PN उपाध्याय ने कहा कि वृक्षारोपण का कार्य बरसात से पहले कर लिया जाए, क्योंकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि वृक्षारोपण के कार्य में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से अपने ऑफिस पर वृक्ष लगाने के लिए निर्देश दिया एवं वृक्षारोपण के मानक को भी पूरा किया जाए, जिससे कि वृक्ष सही तरीके से लग सके। उन्होंने कहा आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 75 वृक्ष लगाने का शासन का स्पष्ट निर्देश है, जिसको सभी लोग अपने ग्राम पंचायत में लगवा लें। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी PN यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, जहाँ तक का लक्ष्य है, कल आपको कौन सा लक्ष्य पूरा कर लेना है, वो आप ध्यान दीजिए। इस पर विशेष रूप से वृक्षारोपण समिति समिति के लिए जिला गंगा समिति वृक्षारोपण तो हम सारे लोग एक स्थल की सोची, जैसे आप पिटल रूटी के लोग वो स्थल चयन करके दे दें, जिस भी जहाँ से कॉर्डिनेट करके आपको कराना हुआ तो आप करा लीजिएगा। अब सॉयल वर्क विक का भी हमारा समय आ गया, तो जो बरसात से पहले कुछ दिन पहले गज्जा मुदा की भी रिपोर्ट मांगी जाएगी। और हमारे यहाँ बिजली इकोनॉमिका से तो आप भी हमारे यहाँ से पंचायती राज से और राजस्व विभाग का तीनों का आप भिजवा दीजिए। और जैसे DHO साहब हैं आपके, आपका तो कई जगह है वो हमारा पूरे जनपद सर। और आपकी लैंड तो होगी नहीं उद्यान की उस तरह से, ठीक है। तो आपके यहाँ बहुत सारी योजनाएं भी जो चल रही है वो लाभार्थियों के लिए, तो उनके माध्यम से भी आपका वो हाँ अचीवमेंट हो जाएगा हमारा। और बिजली और जो भी विभाग है यहाँ पर सभी लोग से अनुरोध है कि आप लोग पहले स्थल चयन का आप सूची भेज दें और सॉयल वर्क जो है ना वो करा लें वृक्षारोपण से। उसमें जो तकनीकी होते पहले गड्ढा खोद दिया जाता है 45x45x45 सेंटीमीटर, यही तो है स्टैंडर्ड। उस दिन तक हो जाए उसमें फिर उस खाद का मिक्सर करके उस मिट्टी को भर लेते हैं, फिर वह मिला देते हैं कुछ दिन बाद मिला के। उसके बाद जब एक दिन अभियान चलेगा और फिर जियो टैगिंग का सबको अपना पासवर्ड मिलेगा, जियो टैगिंग की जाएगी अपने अपने पासवर्ड से अपने अपने लोकेशन जहाँ जहाँ वो क्षेत्र होगा। ये तो
बैठक रही, इसके अलावा कुछ करना है उसमें सर? एक निःशुल्क देना है। मान लीजिए ये लो लैंड चयन किए हैं तो उसमें जामुन इकोलिप्टस ये लगाएंगे, अगर इनका ऊंचा लैंड है तो सागौन की मांग करेंगे ताकि वहाँ पौधा कम। ठीक है, आपकी बात सही है, और लेकिन विभाग का एक अनुभव रहा है कि हमारे कितने लो लैंड है और कितने वो देखते हुए ये स्वतः सिद्ध है कि आपके पेड़ है, ये बहुत खुशी हुई कि जी सर 2018 से तो हम सभी लोगों को कि जैसे हम अमृत आजादी के 75वें वर्ष में हम अमृत महोत्सव कर रहे हैं, और हाँ इसी के तहत बहुत तमाम विभागों की योजनाएं भी आ रही हैं, तो वृक्षारोपण से संबंधित एक और हमारा अमृत अमृत महोत्सव उपवन एक योजना आई है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में 75 पौधे का एक ऐसा पैच हो जहाँ 75 पौधे लगे हो, तो वो भी हमें तैयार करना है। तो मैं डीएफओ साहब से वन विभाग से यही अनुरोध करूंगा कि कम से कम इतना 75 तो मिल जाएगा हमारे पंचायतों में, एक या दो पैच मिला के 75 हो जाएगा, या जो हम बड़े बड़े तालाब हैं उसमें भी, तो इसके लिए आपको जानकारी ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा, इसके लिए हमारे इतने पौधे तैयार हो जाए, 10-20 हज़ार पौधे बढ़िया तैयार हो जाए कि जो हम उनका जैसे आप अपना लगाते हैं वैसे ही वो भी हम ये करें। तालाब पर 60-70 पौधे भी लग जाएंगे, अब मैं 3-4 तालाब कल गया था दे दिया परसों, तो अच्छे अच्छे तालाब थे उस पर पौधे लग सकते हैं, 2-3 तालाब बहुत अच्छे थे, 40-50 पौधे लग सकते हैं। अमृत महोत्सव उद्यान या वन है वो विकसित हो जाएगा। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने एम्बुलेंस को रास्ता देने पर कहा कि एम्बुलेंस एक इमरजेंसी सेवा है, सभी लोग सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करें, जब सड़क पर इमरजेंसी में एम्बुलेंस जाए तो उसको तुरंत रास्ता दें, क्योंकि एम्बुलेंस तभी सायरन बजाता है जब कोई मरीज गंभीर रूप से बीमार या घायल होता है। उन्होंने कहा कि जो लोग सरकारी वाहन एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, चलने वाले व्यक्ति का कि अगर कोई व्यक्ति हुटर का मतलब है कि वो इमरजेंसी में जा रहा है उसको रास्ता देना है। एम्बुलेंस में अगर कोई भी व्यक्ति एम्बुलेंस हुटर बजाती है इसका मतलब है उसका साइड देना, ये दुनिया भर का यही रूल है, अगर नहीं करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 3 दिवसीय दौरे पर शनिवार को गोरखपुर आएंगे सीएम योगी, कुशीनगर में पीएम की अगवानी को लेकर इंतजामों का लेंगे जायजा, महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में लोकार्पण शिलान्यास समारोह को करेंगे संबोधित, रविवार को गीडा में नए निवेशकों को सौंपेंगे भूमि आवंटन पत्र, 1,005 करोड़ रुपए के निवेश और करीब 2,700 नए रोजगार का मार्ग होगा प्रशस्त, गीडा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े 143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास, सोमवार को लखनऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर धर्मपत्नी सहित गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन कर लिया आशीर्वाद, गीता प्रेस का किया अवलोकन, गीता प्रेस के ट्रस्टियों ने अंगवस्त्र देकर महामहिम राज्यपाल को किया सम्मानित। ODOP के तहत चयनित दूसरे उत्पाद को भी स्टेशनों पर स्टॉल कियास्क मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर सकारात्मक पहल करेगी पूर्वोत्तर रेलवे। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, अति स्वागत योग्य है ये कदम, शासन और रेलवे प्रशासन से समन्वय बनाकर रेडीमेड गारमेंट्स का भी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर स्टॉल कियास्क खुलवाने का करेंगे प्रयास। किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है फसल बीमा योजना, अकेले गोरखपुर में खरीफ सीजन में मिली 13 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति, करीब 22,000 किसान हुए लाभान्वित, डीएम ने कहा किसानों के क्लेमों को सुगमता पूर्वक किसानों को हो हस्तांतरित, यही है उनका प्रयास। एस
एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में मोहद्दीपुर में काले फिल्म लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक फिल्म। दुकानदारों के पास से 5 किलो से ज्यादा बरामद किया गया ब्लैक फिल्म, लगाया गया जुर्माना। एसपी सिटी ने कहा, दोबारा ब्लैक फिल्म लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने डूडा हुआ बैंकर्स के साथ की बैठक। योजना का समय से लाभार्थियों को लाभ दिलवाने के लिए बैंक कर्मियों को दिए निर्देश। अमृत महोत्सव उद्यान के वृक्षारोपण के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों के साथ एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने की बैठक। दी आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत ग्राम पंचायत में 75 वृक्ष लगाने के निर्देश। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने नागरिकों से सरकारी वाहन या एम्बुलेंस को रास्ता देने की अपील। कहा, एम्बुलेंस को रास्ता न देने वालों के खिलाफ की जाएगी विधिक कार्रवाई। चार शातिर वाहन चोर को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 मोटरसाइकिल, 2 लैपटॉप, 1 TFT मॉनिटर, 1 LED, 1 मिक्सर मशीन, 1 कुकर किया बरामद, भेजा जेल। प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर के विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों को समय समय पर हाथ धोने के प्रति किया गया जागरूक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 14 मई को होने वाले लोकार्पण, शिलान्यास और जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए महानगर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। कहा, जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए जी जान से जुटे महानगर के कार्यकर्ता। पूर्व माध्यमिक विद्यालय अलहदातपुर के छात्रों ने स्कूल चलो अभियान के तहत निकाली रैली। स्कूल चलो अभियान के प्रति बच्चों को किया जागरूक। और मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत नॉर्मल प्राथमिक विद्यालय पर रसोईया पाक कला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उत्कृष्ट भोजन बनाने वाली रसोईया को किया गया सम्मानित। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट पुलिस ने 4 वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को RKBK के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान अखिलेश पासवान पुत्र रामाश्रय पासवान निवासी नंदा नगर नया गांव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा रामनाथ पुत्र मुन्नू निवासी नंदा नगर दरगहिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, तीसरा भक्ति बासफोर पुत्र साजन बासफोर निवासीगढ़ नंदा नगर थाना कैंट जनपद गोरखपुर, चौथा शक्ति बासफोर पुत्र साजन बासफोर निवासी नंदा नगर थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक चोरी का मोटरसाइकिल, 2 लैपटॉप, 1 LED, 1 TFT मॉनिटर, 1 मिक्सी मशीन, 1 कुकर, 1100 रुपए नगद बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त द्वारा बरामद सामान व दोनों मोटरसाइकिल के बारे में पूछताछ में बताया कि दिनांक 26-27 अप्रैल की रात्रि में श्रवण नगर सिंघरिया में एक बंद मकान का ताला तोड़कर हम चारों साथियों ने मिलकर 1 लैपटॉप, TFT मॉनिटर, 1 LED व 1 मिक्सी, 1 कुकर चोरी किए थे। बरामद मोटरसाइकिलों के बारे में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि 2 महीने पहले एक मोटरसाइकिल हमने सिंघरिया चौराहे से व दूसरी मोटरसाइकिल गिरधरगंज बाजार से चोरी किए थे तथा दूसरा लैपटॉप हमने 1.5 माह पहले रेलवे स्टेशन के बाहर एक व्यक्ति के बैग से चोरी किए थे। 15-20 दिन पहले श्री विहार कॉलोनी रजही एयरफोर्स चौकी इलाका में एक बंद मकान के अंदर का ताला तोड़कर एक लैपटॉप व अन्य सामान चोरी किए थे, जो हमने लैपटॉप व अन्य सामान किसी अनजान व्यक्ति को 5,000 रुपए में बेच दिया है। उन्होंने बताया कि 4 अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अमित चौधरी, अरविंद कुमार यादव, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार, कांस्टेबल वैभव श्रीवास्तव, कविंद्र गोविंद कुमार, सचिन यादव शामिल रहे। बैठा अंदर बैठो। प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर के विद्यार्थियों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि नियमित रूप से बच्चों को, अभिभावकों को, समुदाय को व शिक्षकों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने के लिए जरूरी है कि विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर प्रेरित किया जाए, जिससे कि बच्चे स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सके। वहीं इस संबंध में BSC रामेंद्र सिंह ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक करते हुए कहा कि शिक्षा ही विकास का आधार है, जिसको देखते हुए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे बच्चे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना सीखेंगे और एक अच्छा नागरिक बनेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर के प्रधानाचार्य इंद्रावती सिंह और BSA रामेंद्र सिंह एवं जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आप लोगों से अभी सवाल भी पूछा जाएगा, इसलिए शांत रहो और ध्यान से सुनो, ठीक है? जो दिखाया जा रहा है वो शांति से देखो, सुनो और समझो। सवाल आप लोगों को जो पूछा जाएगा वो बताना है, ठीक ना? भाई भारत माता की जय, माता की जय। आइए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक गीत के साथ। सारे बंधन छोड़ के आ, ये सन्नाटा छोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ, ये सन्नाटा छोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ, ये सन्नाटा छोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ, मंजिल पर आराम मिलेगा, मंजिल पर आराम, मंजिल पर आराम मिलेगा, मंजिल पर आराम, मंजिल पर आराम मिलेगा, कुछ चल के कुछ दौड़ के आ, ये सन्नाटा छोड़ के आ, सारे बंधन तोड़ के आ, ये सन्नाटा छोड़ के आ, सारे बंधन तोड़ के आ, लहरों को कश्ती कर ले तू, लहरों को कश्ती कर ले।
काटा छोड़ के आ, सारे बंधन तोड़ के आ। इंसानों में शामिल हो तू, इंसानों में शामिल हो, इंसानों में शामिल हो तुम, इंसानों में शामिल हो, इंसानों में शामिल हो तू, इंसानों में शामिल हो, इंसानों में शामिल हो तुम, इंसानों में शामिल हो, इंसानों में शामिल हो तुम। शेख ब्राह्मण छोड़ गया ये सन्नाटा, छोड़ गया सारे बंधन तोड़ गया, ये सन्नाटा छोड़ गया सारे बंधन तोड़ गया। भाई नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो भाई, बात छोटी सी पर समझ न आई, बात छोटी की है योजना बनाई, इसलिए नाटक की है योजना बनाई। चले आओ चले आओ चले आओ भैया, चले आओ चले आओ चले आओ भैया। प्यारे प्यारे बच्चे जो आके बैठे हैं, हाँ तो ठीक है, पर अभी अभी तो गाने शुरू हुए थे, तुम दोनों बीच से काहे निकल आए? भाई देवे नाटक के बीच बीच में हम संदेश भी देते हैं। हाँ भैया ये सब छोटे मोटे प्यारे प्यारे बच्चे नहीं है, तब फिर क्या है? अरे ये सब तो महाज्ञानी, महाध्यानी, अरे महापंडित, और भैया महामाया भी लोग। अरे वाह माया महाठगनी, हम जानी रे जानी रे जानी, ओ माया महाठगनी। अरे प्यारे प्यारे बच्चे सब जानते हैं, और हम सब कलाकार हैं, मतलब की बात अगर नाच गाकर सुनाए तभी मानते हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, अरे पहले तुम्हें कहानी तो सुनाओ। अच्छा तो तुम सुनोगे कहानी और आप भी सुनेंगे कहानी? बिल्कुल, हम सुनेंगे भी कहानी और इन बच्चों के साथ में देखेंगे भी कहानी। तो बच्चों तुम लोग भी सुनोगे कहानी? तो सुनो बच्चो, एक समय की बात है, एक गांव में दो हरखों का जन्म हुआ, और गांव ज्वार में खुशियां आई और ढोल मदिरा बोल रहा। बाबूजी की उंगली फटाफट आगे बढ़ गए, उम्र की सीढ़ी झट से चढ़ गए, पढ़े लिखे खेले कूदे बने आज्ञाकारी। पर एक कमी थी उन हाथों में, और कमी थी भारी, अरे माई बापू सबे सिखाए नहीं सिखाए साफ सफाई। हाँ और साफ सफाई छूट गई तो मुश्किल हुई हजार, यार दोस्त सब काम लाए दुश्मन बने हजार। ऐसी दुश्मनी? हाँ भैया दुश्मन, अब हम करेंगे मतलब की बात। सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी, और मेरी वजह से घर घर में तिरही की पूड़ी बटी। मैं हूँ कीटाणुओं का बाप, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी। आओ एक बार गले मिल लेते, अरे बस एक बार गले मिलते, अच्छा गले नहीं मिलना तो एक काम करे, एक बार इसको हम छू के आते, ठीक है? ए रुक, हे भगवान इसको क्या हो गया? अरे भैया होना क्या था, बीमारी से हो गई यारी, अस्पताल से हो गया प्यार। का ही साथ है क्या दवा कर ऊपर से भारी, अब क्या होगा? होना क्या है, तन मन सब खोना ही था, परिवारों में हर पल रोना धोना ही था। अरे तभी उस गांव में एक चमत्कार हुआ। चमत्कार? हाँ भैया, उस गांव में एक नया सवेरा हुआ, और वहाँ एक सुपरमैन आया, सुपरमैन, हरी टोपी वाला सुपरमैन। अरे दीवानो इसे पहचानो, कहाँ से आया, ये है कौन, ये है कौन, ये है कौन, ये है सुपरमैन। तू कैसा सुपरमैन है भैया? हमने तो सुना है सुपरमैन वो लाल कच्चे वाला होता ना, और मेरी वजह से 2 साल से लोगों की लाल हुई पड़ी थी। अब होगा महासंग्राम, मतलब की बात।
तभी बदलेंगे हालात। मेरा नाम इंद्रावती सिंह, प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर नगर क्षेत्र गोरखपुर। ये स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ये एड्रा इंडिया की तरफ से, प्लान इंडिया की तरफ से स्वच्छता पर जो है ये जागरूक किया जा रहा है बच्चों को कि हम अगर स्वच्छ रहेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और स्वच्छ रहने में हाथों की भूमिका सबसे ज़रूरी है, इसलिए हम बार बार हाथ धोएं, हर बार हाथ धोएं। हाथ धोएंगे तो हम इन महामारी से बहुत हद तक बच सकते हैं। इस पर नाच कर, गा कर और नाटक द्वारा हमारे बच्चों को जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग अभिभावकों को जागरूक करते हैं, क्योंकि शिक्षा ही सभी विकास का आधार है। अगर कोई शिक्षित नहीं है तो विकास उतना मायने नहीं रखता। तो हम लोग सभी अभिभावकों को भी जागरूक करते हैं कि बच्चे जब शिक्षित होंगे तो स्वच्छता सीखेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित रखना सीखेंगे, एक योग्य नागरिक बनेंगे और अपने राष्ट्र का विकास करेंगे। तो माध्यम से विद्यालय में जागरूक किया जा रहा छात्रों को स्वच्छता। हाँ, नियमित रूप से बच्चों को, अभिभावकों को, समुदायों को और शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए, संदेश देने के लिए ज़रूरी है कि विभिन्न घटकों में विभिन्न सामाजिक मुद्दों पे उनको प्रेरित भी किया जाए। नुक्कड़ नाटक अच्छा साधन होता है, इसलिए इसका आयोजन किया जा रहा है और नियमित रूप से उनको व्यवहार परिवर्तन, बच्चों को स्वच्छता की ओर जागरूक करना, ये सब कार्रवाई हो रही है। शुक्रवार को बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 14 मई को होने वाले लोकार्पण, शिलान्यास और जनसभा के कार्यक्रम को लेकर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक किया गया, जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव के बाद द्वितीय कार्यकाल का पहला लोकार्पण सर्किट हाउस स्थित महंत दिग्विजय नाथ पार्क में होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यकर्ता जी जान से जुटे हैं। महानगर सभी मंडलों से अधिक संख्या व पार्षद को भी, कार्यकर्ताओं व आम नागरिकों को प्रत्येक वर्ष से अधिक संख्या में रैली में भव्य ऐतिहासिक बनाने की योजना बनाई गई है। बैठक में महानगर महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष दयानंद शर्मा, रमेश प्रताप गुप्ता, सुरेश मणि मिश्रा, रणविजय शाही, वीरेंद्र पांडे, महानगर मंत्री अवधेश अग्रहरी, अनुपम पांडे, शिवम पांडे, अशोक गुप्ता, युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, मुख्यमंत्री जी 3:30 बजे दिग्विजय नाथ पार्क एक विशाल लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम विकास कार्यो का करने वाले हैं। उसी की दृष्टि से हम सभी आज यहाँ बैठे, कल रात्रि में सूचना आई है, हम सभी एक बार कल बैठे महामंत्रियों के साथ और पदाधिकारियों के साथ बैठे थे, लेकिन हम सोचे एक बार अपने मंडल अध्यक्ष एवं मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठ के बातचीत कर लिया जाए, कल की योजना रचना बनाई जाए कि कल हम कैसे अधिक से अधिक संख्या में वहां पर महंत दिग्विजय नाथ पार्क जो सर्किट हाउस के बगल में वहां पहुंचे। एक बार जो हमारे सभी मंडल अध्यक्ष हैं और हमारे महानगर के पदाधिकारी, महानगर के पदाधिकारी जिस मंडल में रहते हैं उस मंडल में एक बार कोऑर्डिनेट करके मंडल अध्यक्षों से बातचीत करके, मंडल अध्यक्ष अपने शक्ति केंद्र के संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी और जो मंडल में हमारी बूथ समिति है उन सबको सूचना करके, जो भी अपनी बूथ समिति का कार्यकर्ता हो या उस मंडल में जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हो सबको सूचना करके, पार्षदों को सूचना करके, ताकि हर मंडल से हमारी जो दूर के मंडल है कम से कम 500 की संख्या आवे और जो नजदीक के कार्यक्रम स्थल के सराउंडिंग जो मंडल हैं या अगल बगल के जो वार्ड हैं उनको केंद्रित करके वहां से 1000-1000 की संख्या आवे, क्योंकि पहला कार्यक्रम चुनाव के बाद लोकार्पण और शिलान्यास, क्योंकि हमको पिछले पाँच साल में बहुत कुछ मिला गोरखपुर में। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में आते थे एक बड़ी सौगात गोरखपुर को दे के जाते थे, इसके लिए योजना रचना के लिए हम सभी आज यहाँ बैठे। बड़ी बात यह हो सकता है मुख्य उद्देश्य आज की बैठक का ये है, वहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे समय 3:30 बजे सूचना हम 3:30 की देंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री 4 या 4:15 कार्यकर्ता जाने लगे,
इसलिए 3.5 की सूचना करेंगे, कुछ लोग अपने तरफ से 3 या 2.5 की सूचना न करें, निवेदन है कि 3.5 की सूचना करें। बताइए देखो भाई के बात उसके अलावा ओम प्रकाश जी सभी पार्षदों से बातचीत कर रहे हैं ताकि सभी पार्षद अपने संख्या लेके आवे, जो दूर के पार्षद हैं वो 25-50 लोगों को लेके आवे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी महान दिग्विजय नाथ पार्क में गोरखपुर महानगर को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास का भव्य कार्यक्रम आयोजित है। उसी के संदर्भ में आज हम सभी महानगर के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और मोर्चा के अध्यक्षों की बैठक हो रही है कि कैसे अधिक से अधिक संख्या में उस विशाल लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ता और आम नागरिक कैसे उपस्थित हों, उसी की योजना रचना के लिए आज हम सभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी महानगर के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा के अध्यक्षों की बैठक चल रही है। क्या निर्देश दिए गए? सभी मंडलों को लक्ष्य दिया गया है कि कितनी कितनी संख्या में आवेंगे। हमारे जो माननीय पार्षद हैं उनसे भी बातचीत हो रही है कि उनके वो भी अपने अपने वार्डों में संख्या लेकर उस कार्यक्रम में पहुँचे। पूर्व माध्यमिक विद्यालय अलहदादपुर के छात्रों ने स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकाली, जिसके संबंध में बीएसए रामेंद्र सिंह ने कहा कि स्कूल चलो अभियान की रैली नगर क्षेत्र में निकाला गया है। ये रैली बच्चों को स्कूल में आने के लिए निकाला गया है, जिससे कि कोई बच्चा अगर रैली को देखे तो जागरूक होकर विद्यालय आने को प्रेरित हो सके। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, जिसके लिए सभी सुविधा प्रदेश सरकार निःशुल्क देती है। अच्छे अध्यापक विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी विद्यालय की छवि बदल दी गई है, अब विद्यालय साफ सुथरे हैं। हमारा प्रयास है कि सभी बच्चे स्कूल जाएं और कोई भी बच्चा स्कूल जाने से ना छूटे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए बीएसए रामेंद्र सिंह ने कहा, ये स्कूल चलो अभियान की रैली हम लोग नगर क्षेत्र में निकाले हैं। ये बच्चों को स्कूल में आकर्षित करने के लिए, क्योंकि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, 6 से 14 वर्ष का जो भी बच्चा है, पढ़ाई के लिए सारे सुविधाएं गवर्नमेंट निःशुल्क देती है। योग अध्यापक होते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत आज हमारे विद्यालय भी एकदम चमक रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे। इस प्रकार हम सभी लोगों का उद्देश्य कोई भी बच्चा छूटे ना, सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत शुक्रवार को नॉर्मल प्राथमिक विद्यालय पर रसोईया पाक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग प्राथमिक विद्यालय रसोईया ने अपने हाथों से भोजन पकाया, जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने रसोइयों के द्वारा बने भोजन को खुद खाकर अपने हाथों से चेक किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील संचालन के लिए जो महत्वपूर्ण कड़ी रसोइयां हैं, उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए उनको नियमित रूप से प्रशिक्षण कराते हुए दक्षता सुधार करने के लिए प्रतियोगिता हर साल आयोजित होती है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ रसोइया बहनों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें उत्कृष्ट भोजन बनाने वाले रसोइया बहनों को सम्मानित किया गया है, जो कि हर्ष का विषय है। इसी तरह परिषदीय विद्यालय में बेहतर व्यवस्था, बच्चों को मिले मिड डे मील की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, साफ सुथरे माहौल में अच्छी गुणवत्ता का भोजन मिले, यही जिला प्रशासन का उद्देश्य है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए रामेंद्र सिंह और जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा,
सुरक्षा मानक के लिए हमने यहाँ पे पानी और बालू का इंतजाम करा दिया है, तो घबराने कोई बात नहीं, हम यहाँ लगे रहेंगे आपके साथ। कहीं कोई सब लोग घर जो कर रहे थे, कौन नियम है कौन नहीं? हाँ हाँ और कुछ परवल और टमाटर आलू मिश्र क्या नाम है? कौन चाहिए? आलू परवल चाहिए। सर को निकाल के दीजिए। आप कुछ देर बाद में फोन करना, नहीं स्पष्ट बता दे रहे हैं कह रहे हैं आप लोग को ये शासन की एक योजना है भोजन माता को प्रोत्साहित करने के लिए, तो हम लोग आज इस प्रांगण में ये पाककला प्रतियोगिता करा रहे हैं और इसमें हम इन भोजन माताओं को प्रथम द्वितीय और तृतीय जो पुरस्कार है 3500 रुपये, 2500 रुपये और 1500 रुपये इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और कंसोल प्राइज भी दिया जाएगा। क्योंकि ये गांव से आई हैं तो इनका आने जाने का किराया भी हम लोग इनको देंगे। कितना फायदेमंद होगा इस तरह का? ये बहुत फायदेमंद होगा और क्योंकि ये प्रोत्साहित भी होंगी और प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए क्योंकि विद्यालय में हमारे बच्चों को बढ़िया भोजन कराती हैं। इनका नाम हम लोग भोजन माता कहते हैं क्योंकि ये माता का रूप ही होती हैं, तो हम लोग इनसे अपेक्षा करते हैं कि आप माँ के रूप में चूँकि विद्यालय में होती हैं तो बच्चों को जो शासन की योजना है पूरा पौष्टिक भोजन उनको कराएं और इस प्रकार बच्चे भी मतलब खुश रहेंगे और आपसे जुड़े रहेंगे। हमारे परिसरी विद्यालयों में मिड डे मील संचालन के लिए जो महत्वपूर्ण कड़ी हमारी रसोइयाँ हैं, रसोइया बहन हैं, उनके लिए मनोबल ऊंचा रखने के लिए उनको नियमित रूप से प्रशिक्षण कराते हुए दक्षता सुधार करने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजन हर साल होती है। इस साल हम लोग करा रहे हैं, बहुत ही उत्सव के माहौल में हमारे रसोइयों ने उसमें प्रतिभाग किया और सबसे उत्कृष्ट प्रगति दिखाने वाले, दक्षता रखने वाले हमारे रसोइयों को पुरस्कार किया गया, उनको अवार्ड दिया गया। ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है और इसी तरह हमारे परिषद विद्यालयों में और बेहतर व्यवस्था, परिवेश बच्चों को मिले, मिड डे मील की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, साफ़ सुथरे माहौल में
अच्छे गुणवत्ता का हम खाद्यान्न खाना बच्चों को मिले, यही कोशिश सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने की जिला प्रशासन शिक्षा विभाग का उद्देश्य। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 3 दिवसीय दौरे पर शनिवार को गोरखपुर आएंगे सीएम योगी। कुशीनगर में पीएम की अगवानी को लेकर इंतजामों का लेंगे जायजा। महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में लोकार्पण शिलान्यास समारोह को करेंगे संबोधित। रविवार को गीडा में नए निवेशकों को सौंपेंगे भूमि आवंटन पत्र। 1,005 करोड़ रुपए के निवेश और करीब 2,700 नए रोजगार का मार्ग होगा प्रशस्त। गीडा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े 143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। सोमवार को लखनऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर धर्मपत्नी सहित गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन कर लिया आशीर्वाद। गीता प्रेस का किया अवलोकन। गीता प्रेस के ट्रस्टियों ने अंग वस्त्र देकर महामहिम राज्यपाल को किया सम्मानित। ODOP के तहत चयनित दूसरे उत्पाद को भी स्टेशनों पर स्टॉल कियास्क मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर सकारात्मक पहल करेगी पूर्वोत्तर रेलवे। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, अति स्वागत योग्य है ये कदम। शासन और रेलवे प्रशासन से समन्वय बनाकर रेडीमेड गारमेंट्स का भी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर स्टॉल कियास्क खुलवाने का करेंगे प्रयास। किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है फसल बीमा योजना। अकेले गोरखपुर में खरीफ सीजन में मिली 13 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति। करीब 22,000 किसान हुए लाभान्वित। डीएम ने कहा, किसानों के क्लेमों को सुगमता पूर्वक किसानों को हो हस्तांतरित, यही है उनका प्रयास। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में मोहद्दीपुर में काले फिल्म लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक फिल्म। दुकानदारों के पास से 5 किलो से ज्यादा बरामद किया गया ब्लैक फिल्म, लगाया गया जुर्माना। एसपी सिटी ने कहा, दोबारा ब्लैक फिल्म लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने डूडा व बैंकर्स के साथ की बैठक। योजना का समय से लाभार्थियों को लाभ दिलवाने के लिए बैंक कर्मियों को दिए निर्देश। अमृत महोत्सव उद्यान के वृक्षारोपण के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों के साथ एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने की बैठक। दी आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत ग्राम पंचायत में 75 वृक्ष लगाने के निर्देश। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने नागरिकों से सरकारी वाहन या एम्बुलेंस को रास्ता देने की अपील। कहा, एम्बुलेंस को रास्ता ना देने वालों के खिलाफ की जाएगी विधिक कार्रवाई। चार शातिर वाहन चोर को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 मोटरसाइकिल, 2 लैपटॉप, 1 TFT मॉनिटर, 1 LED, 1 मिक्सर मशीन, 1 कुकर किया बरामद, भेजा जेल। प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर के विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों को समय समय पर हाथ धोने के प्रति किया गया जागरूक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 14 मई को होने वाले लोकार्पण शिलान्यास और जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए महानगर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। कहा, जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए जी जान से जुटे महानगर के कार्यकर्ता। पूर्व माध्यमिक विद्यालय अलहदातपुर के छात्रों ने स्कूल चलो अभियान के तहत निकाली रैली। स्कूल चलो अभियान के प्रति बच्चों को किया जागरूक। और मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत नॉर्मल प्राथमिक विद्यालय पर रसोईया पाक कला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उत्कृष्ट भोजन बनाने वाली रसोईया को किया गया सम्मानित। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।